वेलकम टू एनिमल हस्बेंड्री चैनल। मैं नरेंद्र संसरवा आज आपके लिए लेकर आया हूँ फूड सेफ्टी ऑफिसर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है पशुओं की बीमारी। तो पशुओं की बीमारी सबसे पहले अपन करेंगे जीवाणुजनित बीमारी। जीवाणुजनित बीमारी में सबसे पहले अपन लेते हैं एंथ्रेक्स को। तो एंथ्रेक्स बीमारी है वो कौन सी जीवाणुजनित और जो इसका जो जीवाणु कारक है एंथ्रेक्स का, एंथ्रेक्स बीमारी इसका जो कारक है वो होगा अपना बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स बीमारी फैलती है। और जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है वो होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो बैसिलस एंथ्रेसिस है इसको हवा मिलती ही अपने आप में क्या कर देता है, वृद्धि चालू कर देता है, स्पोरेशन चालू कर देता है। तो इसी वजह से एंथ्रेक्स बीमारी से एंथ्रेक्स बीमारी से मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते, यही कारण है इससे मृत जानवर का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। और अपन उसके लक्षण देख रहे हैं, जो प्रथम जो लक्षण होता है वो होता है पशु की मृत्यु। प्रथम लक्षण क्या होता है, पशु की मृत्यु। इसके बाद में जो रीजन देखने को, मृत्यु के बाद जो रीजन देखने को मिलते हैं वो है नंबर एक का अपना जो नेचुरल ओपनिंग है, यानी नेचुरल ओपनिंग का मतलब क्या है, जो प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्रों से काला झागा रक्त बाहर निकलता है। तो अपन यहां लिख देते हैं प्राकृतिक छिद्रों से काला झागदार रक्त निकलता है। और सेकंड है वो क्या है, जो कि स्प्लीन है, स्प्लीन में सूजन आ जाती है। स्प्लीन में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स का जो कारक हुआ वो इसके एंथ्रेक्स है, बायरी है, बीमारी वाले पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, कृषि पर्यवेक्षक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन कौन सा, कि कौन सी बीमारी जिससे पशु की मृत्यु के बाद में पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, तो अपनी कौन सी हो जाएगी, एंथ्रेक्स। और अपन को जो एंथ्रेक्स बीमारी है, इसके जो सर्वाधिक केस देखने को मिलते हैं वो भेड़ में देखने को मिलते हैं। तो अपनी ये हुई बीमारी कौन सी, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगली बीमारी हम लेते हैं ब्लैक क्वार्टर BQ। ब्लैक क्वार्टर ये तो आपको पता ही है कि ये बीमारियां चल रही हैं, जीवाणुजनित बीमारी है, तो ब्लैक क्वार्टर है वो भी क्या होगी अपनी जीवाणुजनित डिजीज। तो इसको देखना है इसका कारण, इसका कारण हुआ क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई नामक जीवाणु। कौन सा होगा, क्लोस्ट्रीडियम नामक सोबियाई जीवाणु। तो अब इसको अपन को इसके भी लक्षण देखने हैं, इसमें लक्षण क्या होंगे, जो प्राकृतिक छिद्र हैं कौन से, सॉरी इसमें होगा जो कि पशु है उसके जॉइंट है उनमें क्या सूजन आ जाती है, और उसमें
कट लगाने पर काला झागदार रक्त बाहर निकलता है, जबकि एंथ्रेक्स में क्या हुआ, प्राकृतिक छिद्रों से बाहर निकलता है। तो इसमें अपन को क्या करना है, जानवर के कंधों व पैरों की मांसपेशियों में यह जीवाणु बैठ जाता है और वहां बैठ जाता है। बैठने के बाद में क्या करता है, वहां पे गैंग्रीन करता है, गैंग्रीन का मतलब उनको सड़ा देता है और मांसपेशियों में गैंग्रीन करता है, गैंग्रीन करता है। अब जो सड़ी मांसपेशी है, जो ये सड़ी मांसपेशी है, इनमें क्या है, सॉयलिंग यानी सूजन आ जाती है। सेकंड, सड़ी हुई मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और जो सूजन आती है उसमें अगर हम कहीं भी कट लगाते हैं तो कट लगाने पर काला झागदार रक्त बाहर निकलता है। मांसपेशियों में कट लगाने पर काला झागदार रक्त बाहर निकलता है। तो देखना आप लोग फर्स्ट क्या है, जानवर के कंधों और पैरों के मांसपेशियों में जाके जो क्लोस्ट्रियम सुबेरियम जीवाणु वहां जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद में क्या करता है, ये बैठने के बाद में सड़ी मांसपेशियां हैं उनमें क्या है, सूजन आ जाती है। सड़ी मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद में जहां जो मांसपेशियों में अपन कट लगाते हैं तो कट लगाने पर क्या होता है, काला झागदार रक्त बाहर निकलता है और इसमें क्या होता है, पशु को तेज बुखार होता है, तेज बुखार होता है। और जो अपन ने जहां पर कट लगाया है, जो काला झागदार बाहर निकलता है और जो सूजन आती है, जो ये सूजन आ रही है, सूजन को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है। जो सूजन है उसको अपन दबाएंगे तो उससे क्या है, चरचराहट की आवाज आएगी। इसलिए ऐसी बीमारी को एक तो लंगड़ा बुखार कहते हैं और चुरचुरिया बुखार ही किस बीमारी को कहते हैं, क्लोस्ट्रिडियम सुबेरियम। आई समझ में? तो एक बार और देख लीजिए आप, एक बार दोबारा करवा देता हूँ। ब्लैक पाउडर है, ब्लैक पाउडर इसको अपन क्या कहते हैं, लंगड़ा बुखार चुरचुरिया, जो इसका कारक है वो क्लोस्ट्रिडियम सुबेरियम नामक जीवाणु है। और जो लक्षण है, फर्स्ट लक्षण क्या है, जानवर के कंधों और पैरों की मांसपेशियां हैं, कंधे और पैर दोनों की मांसपेशियों में उनमें जाकर क्लोस्ट्रिडियम सुबेरियम नामक जीवाणु बैठ जाता है और जो मांसपेशियां उनमें गैंग्रीन करता है। गैंग्रीन का मतलब सड़ना। जो सड़ी मांसपेशियां होती हैं उनमें क्या आती है, सूजन आती है और उस सूजन को अपन दबाएंगे। दबाने पर कैसी आवाज आती है, चरचराहट की आवाज आती है, जैसे कागज के चरचराने की। तो इसीलिए इस बीमारी को
चुरचुया फीवर यानी चुरचुया बुखार भी कहते हैं। और जो मांसपेशियां में कट लगाएंगे, कट लगाने पर काला झागदार रक्त बाहर निकलता है, और इस बीमारी को लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। लंगड़ा बुखार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्रेक वाटर बीमारी है, इसमें जानवर या तो एक पैर से या चारों पैरों से लंगड़ा कर चलता है, इसलिए बीमारी क्या कहते हैं? लंगड़ा बुखार। दैट्स ऑल। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट बीमारी। अगली बीमारी अपनी एच 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 क्या हेमोरेजिक हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, और क्या कहते हैं इसको? गल घोटू। ये भी जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु जनित बीमारी एच एस सबसे पहले पढ़ने पड़ी एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स के बाद में बीक्यू, बीक्यू के बाद अपन पढ़ रहे हैं एच एस। अब एच एस है, इसका जो कारक है, इसका कारक होगा अपना पाश्चुरेला मल्टो सड़ा। कौन सा? पाश्चुरेला मल्टो सड़ा नामक जीवाणु, जिसकी वजह से एच एस बीमारी होती है। अब इसके बाद में अपन को इसके भी लक्षण देखने हैं। इसका जो लक्षण है वो क्या है? जो पशु है, जो पशु की गर्दन है, गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे पशु की गर्दन में सूजन आती है, जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो कौन सी है? एच एस बीमारी। पशु की गर्दन में सूजन आ जाती है, आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा दूसरा है वो है पशु खाना पीना छोड़ता है। दैट्स ऑल, सभी में चलेगा, ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, इसको आप यहाँ दिखाई जाए। तो जो पशु है, जो भी बीमारी होगी, इसमें खाना पीना तो हर बीमारी में पशु छोड़ेगा। तो एक बार यहाँ लिख देते हैं, खाना पीना छोड़ देता है। और जब खाना पीना छोड़ेगा और गर्दन में दर्द है, तो गर्दन में दर्द स्वेलिंग आ रही है, स्वेलिंग आएगी तो उसकी वजह से टॉक्सिनिया के कारण पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसमें ये तो कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको जो अगली एक ही साथ जो भी बीज अपनी खत्म होंगी, जीवाणु बीमारी जो खत्म होगी, उसके बाद में सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट है वो मैं आपको एक ही साथ करवाऊंगा। और आगे बने रहें आप ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।